दोस्तों यार, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो एंड इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी को अपलोड करते हो तो भाई आज की वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली वॉच करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंस्टाग्राम पर गाइस हम लोगों को एक प्रॉब्लम आती है जब भी हम इंस्टा पर कोई स्टोरी को अपलोड करने जाते हैं एंड यहाँ पर जब भी हम कोई सॉन्ग को सेट करते हैं एंड नीचे आपको 15 सेकेंड का आइकन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि भाई आप इंस्टाग्राम पर ओनली 15 सेकंड की स्टोरी को ही अपलोड कर सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम हमें ये आती है भाई, 15 सेकंड में ना ही हमारा कोई सॉन्ग पूरा चल पाता है एंड बीच में कट जाता है तो यार हमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता एंड हमारी स्टोरी का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस की तरह 30 सेकंड का, 25 सेकंड का एंड 40 सेकंड का अगर आपको यहाँ पर सॉन्ग लगाना है, अपनी स्टोरी की लेंथ इंक्रीज करनी है, स्टोरी की लेंथ को बढ़ाना है, सो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप इस स्टोरी की लेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, 15 सेकंड की जगह आप 25 या 30 सेकंड कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम के अंदर आकर यहाँ पर आपको कोई भी एक स्टोरी अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस वाली फोटो को ले लिया एंड इस पर मैं लगाऊंगा कोई भी एक म्यूजिक एंड म्यूजिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से इस पेज पर आने के बाद इसकी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले ली। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आना है यहाँ से बैक एंड मैं और आ जाता हूँ बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मैं जो भी बताने वाला हूँ आपको वो ध्यान से जरूर देखना है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बैक। अब आपको जाना है सबसे नीचे अपने प्रोफाइल के आइकन पर। इस पर जाने के बाद आपको जाना है सबसे ऊपर थ्री लाइन पर। जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी। ऑलरेडी हमने सेटिंग एंड प्राइवेसी पर किया क्लिक एंड यहाँ पर आपको दोस्तों एक हेल्प नेम से एक ऑप्शन मिलेगा, सो आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हेल्प नेम से हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे देख सकते हैं ये रहा हेल्प। तो आपको सिंपली इस हेल्प वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। आपको सबसे ऊपर जाना है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो जैसे आप रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर जाएंगे सो यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना है लॉन्च ए कंटिन्यू। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो आपने जो अभी स्क्रीनशॉट ली थी वो सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड पर जाकर आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड किया एंड ऊपर आएगा यहाँ पर प्रॉब्लम लिखने को। तो यहाँ पर गाइस मैंने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम को लिखा हुआ है एंड मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको सिंपली यही वाला मैटर वहाँ पर पेस्ट करना है। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है वरना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको कर देना है सेंड। तो जैसे आप इसको सेंड करोगे आपको आना है यहाँ पर बैक। बैक आने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम है ये आपका अपडेट मांगेगा, तो प्ले स्टोर से आपको इसको अपडेट करना है। कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ये वाला फीचर लॉन्च हो जाएगा जिसमें आप 25 से 30 सेकेंड का यहाँ पर स्टोरी भी अपलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा।